चलें जी ढक्कन उठा के देखते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। और आपने जब चावल मिक्स करने हैं तो सारा चम्मच नहीं हिला हिला के मिक्स करना, इस तरीके से आपने थोड़े थोड़े ऐसे चावल डाल के ऊपर लाने हैं और फिर इनको मिक्स करना। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी अच्छी हैदराबादी बिरयानी तैयार हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज तैयार करेंगे हैदराबादी बिरयानी। बोल में डालेंगे एक पाव दही। दही में शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट खाना खाने वाले 2 चम्मच, सुरख मिर्च डालेंगे खाना खाने वाला 1.5 चम्मच, 4 अदद लौंग और 1 बड़ी इलायची, 1 चम्मच साबुत जीरा, चाय वाला 1 चम्मच साबुत जीरा डाला, चाय वाला 1 चम्मच थोड़ा मिर्च, चाय वाला 1 चम्मच खुशक धनिया, चाय वाला 1 चम्मच काली मिर्च, खाना खाने वाला 1.5 चम्मच नमक, 2 से 3 अदद हम लीमू निचोड़ लेंगे। बीज आपने इनके अंदर से निकाल लेने हैं और इनको निचोड़ लेना है। लीमू निचोड़ने से चिकन अच्छे से गल जाएगा अंदर तक। 1 चुटकी जर्दा कलर डालेंगे। ये सारी चीजें डाल के अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, पहले से कर दिया है तो इसके लिए दिल से शुक्रिया। ये देखें आपने इस तरीके से इसको मिक्स कर लेना है अच्छी तरह। तो अब इसमें डालेंगे चिकन, हाथ की मदद से अच्छे तरीके से इसको दही मसाले जो हमने मिक्स किए थे वो लगाएंगे। अच्छे तरीके से लगाने के बाद आपने इसको ठंडी जगह पर रखना है। अगर तो सर्दियां हैं तो आप इसको बाहर ही रहने दें, अगर गर्मी है तो आप इसको फ्रिज में रखेंगे 1/2 घंटे के लिए। ये रेसिपी थोड़ी सी लंबी है तो आपने इसको एंड तक देखना है। हैदराबादी बिरयानी बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। ये देखिए अच्छे तरीके से मसाला लग चुका है। तो दिसंबर का आखिरी दिन है तो हम इसको बाहर ही रखेंगे और चलते हैं बाकी काम करने की तरफ। चावल उबालने के लिए आपने खुला पानी ले लेना है, इसमें 2 तेज पत्ते डाल लेने, 2 अदद फूल डाल लेने, 2 अदद बड़े साइज की दालचीनी, 4-5 लौंग और थोड़ा सा जीरा, खाना खाने वाला 1.5 चम्मच नमक का, खाना खाने वाला 1 चम्मच सिरका। चावलों के लिए जो मैंने पानी रखा था वह दूसरे चूल्हे पे करते हैं। यहाँ पे कढ़ाई रख के मसाला तैयार करते हैं। कढ़ाई में सबसे पहले तेल डालेंगे। तेल गर्म हो चुका है, इसमें डालेंगे 5 से 6 अदद बारीक कटे हुए प्याज। प्याज को आपने ब्राउन कर लेना। देखते हैं पानी तैयार हुआ कि नहीं। पानी को जोश आ चुका है, इसमें डालते हैं चावल। 3 पाव हमारे चावल हैं। चावलों को आपने 1/2 घंटा पहले भिगो लेना है। इनको अब मिक्स कर देंगे ताकि आपस में ये जुड़ ना जाए। फिर से इसको डांप देंगे। प्याज ब्राउन हो गया, इसमें डालेंगे चिकन। चिकन को आपने तेज आंच पे भूनना है, स्लो पे नहीं भूनना ताकि अच्छे तरीके से भुना जाए। चलें अब चावल चेक करते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देखें चावल कैसे अकेले अकेले हैं। तो अब मैं इनको चेक करती हूँ। 1/2 कनी अभी है तो अब इनका पानी निकाल देंगे और इनके ऊपर आपने ठंडा पानी डाल देंगे। चावलों को मैंने बेचके में से निकाल लिया छानने में और इसके ऊपर आपने हाथ की मदद से फैला के ठंडा पानी डाल दिया। 2 से 3 अदद सब्ज मिर्च काट के डाल देंगे। चिकन में थोड़ा सा आपने कलर डाल लेना और पानी में मिक्स करके डालना, जिससे इसकी रंगत जो है वो खूबसूरत नजर आएगी। अब यहाँ पे शामिल करेंगे
टमाटर, दो से तीन अदद छोटे साइज के टमाटर डाल देंगे। थोड़ा सा इमली और आलू बहारा भी डाल देंगे। आपने इसको भगोना नहीं है, इसी तरीके से डालना। कढ़ाई हमारी छोटी थी तो हमने बड़ी में डाल ली है, तो ये जो इसमें लगा हुआ था मसाला वगैरह वो पानी में मैंने डाल के इसमें डाल दिया। तकरीबन आपने इसमें एक गिलास पानी का डाल लेना है ताकि गोश्त अंदर तक गल जाए। इसको आपने 10 मिनट के लिए तेज आंच पे ढांक देना है। ढक्कन उठा के देखते हैं, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, मसाले ने घी छोड़ दिया। अब इसमें चीजें बाकी शामिल करते हैं। आंच थोड़ी सी स्लो कर लेंगे। यहाँ पे डालेंगे सब्ज धनिया, बारीक कटी हुई सब्ज मिर्च, आपने इसको लंबे साइज में काट लेना। अब इसमें थोड़े थोड़े करके चावल डालेंगे, लेकिन आपने चिकन को नीचे रहने देना है और ऊपर सारे चावल डाल देने जितने भी आपने तैयार किए। माशाल्लाह देखें चावल कैसे अकेला अकेला दाना है। यहाँ पे आप फिर से लगाएंगे लीमू, सब्ज मिर्च, सब्ज धनिया, अगर आप पुदीना डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है। मैं पुदीना नहीं डाल रही यहाँ पे। यहाँ पे डालेंगे जर्दा कलर, आपने इसको पानी में मिक्स करके डालना है। जितनी चीज आपको देखने में अच्छी लगेगी उतनी ही खाने में। अब इसके ऊपर देंगे रुमाल, ढक्कन दे के सारी साइडों से रुमाल को ऊपर को उठा देंगे। इसके नीचे मैं तवा रखूंगी आस्था से दरमियानी आंच पे, हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए दम पे रखेंगे। चलें जी ढक्कन उठा के देखते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, और आपने जब चावल मिक्स करने हैं तो सारा चम्मच नहीं हिला हिला के मिक्स करना, इस तरीके से आपने थोड़े थोड़े ऐसे चावल डाल के ऊपर लाने हैं और फिर इनको मिक्स करना। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी अच्छी हैदराबादी बिरयानी तैयार हुई है। फाबी आई अला रब्बी कुमात कज़िबान। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देखें कितनी खूबसूरत ये बनी है, देखने में इतनी खूबसूरत है और खाने में भी इंशाल्लाह इतनी ही मजेदार। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अल्लाह ताला आप सबको अपनी ईमान में रखे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।